बात करते हैं खबरों की। खबर सबसे पहले लक्सर से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की एक पूरी टीम पहुंची। बता दें इस दौरान हरिद्वार सीमो एचडी के शाक्य और लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस मेले में स्वास्थ्य सुविधा लेने पहुंचे। जनता को आवश्यकता पड़ेगी हमें करूँगा, जैसे मैं विधायक नीति से सलाह की घोषणा की है, ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पहल करूँगा, बिना मांगे भी मैं पहल करूँगा। एक्सरे आना चाहिए, अल्ट्रासाउंड आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, जिस चीज़ में भी मेरी आवश्यकता डॉक्टर अनिल कुमार जी को, होगी वर्मा जी को, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि मैं हूँ। और यहाँ जो थीम की बात आपने उधर गए, यहाँ थीम मेरी चलनी चाहिए, ना कि यहाँ से आर के रहमान के किसी और की चले। यहाँ जो भी हो सर, विधानसभा की थीम कुछ अलग ही होनी चाहिए। मंत्री और बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की अनूठी पहल देखने को मिली, जहां सांसद ने बटौद रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल में सफर कर रहे यात्रियों की समस्याओं को सुना, साथ ही यात्रियों को उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वही सिद्धार्थनगर में आज एक 11 वर्ष बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आरोपी फूफा ने अपने ही भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला शोहतारगढ़ थाना क्षेत्र के बदौली गांव का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में बदौली गांव है, जहां पर एक 11 साल का बच्चा है जो कि कल से गायब हो गया था। उसकी सूचना थाने पर जैसे मिली थी वैसे ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत हो गया था, और उसमें एक टीम गठित किया था। उसमें लगभग आधा दर्जन संदिग्धों को ला करके थाने पर उससे पूछताछ की गई। एक संदिग्ध जो था उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूल किया, और उसकी निशानदेही पर जा करके नदी में उसने बच्चे को मार के उस नदी के किनारे छुपा दिया था बालू के नीचे। वही सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव शाहपुर बास में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त पिटाई हो गई, जहां दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले संघर्ष में दो महिलाएं सहित दर्जन भर लोग घायल हो गए। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। वही रुड़की के नगर निगम परिसर में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार सौरभ गहवार मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना, सभी शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए। आज जैसे तहसील दिवस में कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें मैक्सिमम जो हमारे सफाई को लेकर के व्यवस्था को लेकर के थे, नाली में सफाई के संबंध में, और ये इसमें MNA को और ग्राम पंचायतों को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि वो उसको एक हफ्ते के अंदर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। उसके अलावा बाकी जो मेन समस्याएं थी वो राशन कार्ड को लेकर के हैं, जिसमें हमारे जो पूर्ति निरीक्षक हैं इनका इंश्योर ये कराया है इन्होंने कि जो भी अपात्र लोग हैं इनको टाइमली ये लोग हाईलाइट करके इनको हटा देंगे, घर पर हम नए लोगों को उसमें चयन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। वहीं ऋषिकेश में पर्यटकों के आगमन पर शहर में लगने वाले जाम का मुख्य कारण कुछ जगहों पर भीड़ तो कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी जाम के लिए जिम्मेदार है। इस समस्या से निपटने के लिए SP देहात कमलेश उपाध्याय सक्रिय नजर आए। उन्होंने SDM और नगर निगम के साथ संयुक्त टीम का गठन कर जल्द से जल्द अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं ऋषिकेश के केवीर भद्र स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध परिस्थितियों में सूती मिलने की एक मानसिक विपक्षित युवती, बता दें उसने नशे की हालत में करीब एक दर्जन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। GRP ने पीड़िता को फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल GRP मामले की जांच में जुट गई है।
इस स्टेशन पे यात्री जहाँ रुकते हैं उस स्टेशन पे बेंच पे एक महिला चद्दर ओढ़ के सोती थी, तो एक ने सूचना दी स्टेशन मास्टर को कि वहाँ पे एक महिला सोती और वो प्रधारी मतलब वैसे लग रहा है उसको जैसे कुछ गलत है। तो तुरंत वो पोटर गया वहाँ पर, उसने देखा कि हाँ उसने कहा मुझे पानी पिला दो, मेरा तो मुझे दिक्कत है ये ऐसे ऐसे करके ना। और तब उसने 100 नंबर पर सूचना दी, 100 नंबर पर तुरंत GRP की चौक इंचार्ज बलवंत पहुँचे, RTF तक पहुँचे, और ये लोग पहुँचने के बाद उसने पूछा और उसका एम्बुलेंस लेकर उसे हॉस्पिटल में ले गया। यहाँ पर आगे पता लगा कि ये पहले भी हॉस्पिटल में नशा करके एडमिट होंगे, और चूँकि पोर्टर ने मुझे बताया कि 11 बजे ही रात में भी आई थी एक स्टेशन पर, हमने कहा था यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, तो फिर हमने इससे धीरे धीरे करके पता किया कि इसका घर कहाँ पे है, तो ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट की है और जो नवरात्रों से वो ये इनके घर वाले ढूंढ रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये पागल है। दलित छात्र की पिटाई का मामला सामने आया, जहां सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे के साथ पंडित विपुल पासी और उनकी मां की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करवाई। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वायरल फोटो से राजनीति पूरी तरीके से गर्म दिखाई दे रही है। वही रायबरेली में पुलिस ने दिनेश स्थगी के नाम के छात्र चयन स्नेकर स्नैचर को गिरफ्तार किया। दरअसल दिनेश लखनऊ के सहादगंज थाना क्षेत्र के विसारपुर का रहने वाला था। लखनऊ में नीली बाइक से ये कई चेन स्नैचिंग करता था, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। 12 अप्रैल को थाना मिल एरिया क्षेत्र में रतापुर के पास सवेरे सवेरे एक मॉर्निंग वॉक पे एक वृद्ध महिला जा रही थी, उनके साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस चेन स्नैचिंग को खुलासे करने के लिए इंस्पेक्टर मलेरिया और SSI नारायण मलेरिया, इन दोनों को लोगों को लगाया गया था। इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद एक दिनेश रस्तोगी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लखनऊ का एक शातिर लुटेरा है और यहाँ पर महाराजगंज क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा था, और यहाँ पर वो कई और लूट करने की भी फिराक में था। इसके बारे में मैं बता दूँ, ये मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है, वहाँ पर इस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा इसके ऊपर लगा हुआ है, और वहाँ लखनऊ में ये ब्लू रंग की प्लेटिना से लूट करता था। लखनऊ पुलिस द्वारा पकड़ ले जाने पर और पहचान हो जाने की वजह से फिर ये यहाँ भाग के आया, और इसने अपनी ब्लू प्लेटिना को गिरवी रख के एक एक्टिवा खरीदी, और एक्टिवा से जो है ये लूट करता है, जिससे कि ये पहचान ना हो पाए कि ये लखनऊ वाला ही लुटेरा है। वही काशीपुर के बाजपुर में लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी है। स्वार दोराहा बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि आधी रात को दो अज्ञात युवकों द्वारा पेट्रोल पंप में घुसकर, उनके कैबिन में घुसकर, उनको थोड़ा बंधक बनाकर और तमंचा दिखाकर उनसे जो भी कैश वहाँ पर जमा था वो कैश लूट कर ले गए हैं। उनका चेहरा देखा नहीं जा सका है, चेहरे ढके हुए थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके सूचना पर ASP काशीपुर सर, मैं और हमारे कोतवाल साहब, हमारे चौकी इंचार्ज, सभी लोग मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया, पूछताछ की गई है, अभी तहरीर आनी बाकी है। उधम सिंह नगर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक व्यक्तिगत शादी समारोह में आए थे, वो सीढ़ियां परिसर का गिर गए, सीढ़ी में फिसल कर गिर गए, ऐसे गिरे के कि संभल नहीं पाए, जिसके बाद BDM सुरक्षा ने उन्हें उठा लिया। वही
विकासगंज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को प्यार करने की सजा दी है, जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता और भाई इसके लिए तैयार नहीं थे। उसकी मर्जी का प्यार देने की बजाय उसे भयानक मौत दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही कानपुर देहात के जेल में बंद खुशी का डांस करते हुए एक वीडियो वायरल सामने आया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जेल में योग शिविर के दौरान का है, जहां जेल में दूसरे कैदियों को डांस सिखा रही है। खुशी बिकरू कांड में डीएसपी और एसओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे की करीबी उमर दुबे की पत्नी है। वही गोंडा में आज कोतवाली नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत पांडे तालाब में 15 वर्षीय किशोरी तालाब में डूब गई। किशोरी को डूबते हुए देख पटेल नगर के निवासी ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को निकालकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली नगर जनपद गोंडा, एक बालिका के डूबने की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से उसको आनन फानन में निकाला गया, जिला अस्पताल ले गए हैं, जहां पर डॉक्टर लोगों के अनुसार उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उनके परिजनों को बुलाया गया है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है, सभी तत्वों की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर बालिका वहां कैसे पहुंची और उसके साथ क्या बात हुई है, कोई हादसा हुआ कोई बात है, इन सभी तत्वों पर जाँच पड़ताल की जा रही है। वही फतेहपुर में बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में मासूम बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 18 लोग घायल हो गए, तो वही 7 लोगों को कानपुर हेलीट रेफर कर दिया गया है। दरअसल सभी बाराती कौशाम्बी से फतेहपुर आ रहे थे, जहां स्कूल बस में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। वही फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर गजरने लगा। बता दें बुधवार को सुबह 7 बजे से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। दरअसल अभियान अतिक्रमण के खिलाफ 21 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन बीबगंज पुलिस चौकी से टाउन हॉल तक अतिक्रमण को हटाने का मामला सामने आया। वही पूरा मामला थाना मोह दरवाजे क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान जो है वो जारी है लगातार। वही बिजनौर में बीजेपी मोर्चा द्वारा आंगनबाड़ी सहायक आशा बहुओं को सम्मानित किया गया। महिला मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनीता चौहान, पूर्व मंडल महामंत्री सैनिक अग्रवाल और मिथिलेश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की महिला सम्मान योजना के अंतर्गत आज उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी बहनों को दुपट्टा और फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मान जो है वो आप तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैं क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी। हमारी सरकार द्वारा पोषण अभियान में जो बहनें काम करती हैं, आंगनवाड़ी और आशा बहनें, इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया, क्योंकि जमीन पर सबसे लास्ट के पायदान पर यही लोग जाके फील्ड में काम करती हैं। तो जो बहनें इतना काम करती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से कि इनको भी लगे कि हाँ हम इस देश का, इस समाज का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी इनका सम्मान करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और सब आज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त बहनों को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनें सभी को सम्मानित। अलीनगढ़ में भी लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र ने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़कर यह संदेश देने की कोशिश की कि गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा से उनके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अलीगढ़ में
लाउडस्पीकर और अजान को लेकर यह विवाद था। कुछ दिन पहले भी हमने आपको अलीगढ़ से ये तस्वीर दिखाई थी जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और सिर्फ अलीगढ़ नहीं, पूरे देश में इसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अलीगढ़ की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर लाउडस्पीकर और अजान को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे छात्र का कहना भी है। कि हम मैसेज इस चीज़ से ये देना चाहते हैं कि जो लोग कुछ लोग अब हमारे देश हिंदुस्तान का जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम की जो खूबसूरती जो बदनाम करना चाहते हैं, उसका हमने मैसेज दिया है कि आप बदनाम मत करिए। और जो लोग मतलब अजान को बंद करिए या माइक उतार रिए या फिर इस तरह का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और उसका फ़ायदा उनको नेताओं को एक खास पार्टी को हो जाए, उसी के चलते हमने ये मैसेज एक देने की हमने कोशिश की है कि एक ऐसा मैसेज जाए कि हमें ना हनुमान चालीसा से, ना गायत्री मंत्र से, ना किसी वेद पुराण की, ना किसी स्लोगन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक जगह, दो जगह, दस जगह नहीं, आप हिंदुस्तान के हर चौराहे पे बजाइए। सिर्फ जो हमारी स्पेसिफिक जो हमारा प्लेस है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर आप बजाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने हनुमान चालीसा पढ़ के ये चीज़ बताया है, आप बताइए, क्योंकि हमारा भी जब मन करता हम भी पढ़ लेते हैं। वही अलीगढ़ में इमरजेंसी के लिए रखा ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला गांधी पार्क थाना के चंद्रा टॉकीज का बताया जा रहा है। वही बुलंदशहर में वाहनों की चेकिंग कर रहे दरोगा को डंपर ने रौंद दिया, बता दें जिसमें दरोगा की दर्दनाक मौत हो गई। वही पुलिस ने डंपर समेत डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विवाद अब गोंडा तक पहुंच गया, जहां नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनकटवा गांव में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष महामंत्री लुकमान फजीर नमाज पढ़कर अपने भाई के साथ वापस आ रहे थे, तभी गांव के ही लोगों ने उनसे बीजेपी से जुड़े होने का ताना देते हुए कहा कि जो पार्टी मस्जिदों से लाउडस्पीकर को बैन करवा रही है, तुम उससे जुड़े हो तो तुम नमाज ना पढ़ो। इसी बात पर लुकमान से हाथापाई हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद गोंडा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में बनकटवा गांव में मोहम्मद लुकमान, इन्होंने एक आज तहरीर दी कि उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया है और ये मारपीट करने वालों में जलीसे, साहिल, मुनव्वर इत्यादि का नाम दिया है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इस बात पे मारपीट किया इनके साथ में कि ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री रहे हैं और इनको ये चिढ़ाते थे कि आप नमाज क्यों पढ़ने जा रहे हो। इन सब तथ्यों के साथ में एक तहरीर दी। इस तहरीर पे स्वयं मैं मौके पे खुद आया हुआ हूँ यहाँ पे इस गाँव में, और इस तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करके दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हर सुबह फजर नमाज के बाद मैं और मेरा भाई नमाज पढ़ने के बाद बाबा के मजार पे घर के पास में थोड़े से झाले लगे, वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, जलीस और उनके साथी कुछ चार छः लोग लड़के, वो मिल गए, रास्ते में रोका और बहस होने लगी, कहने लगे कि तुम लोग नमाज या बाबा के यहाँ क्यों जाते हो, क्योंकि तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब भाजपाई हैं और उस पार्टी से जुड़े हैं जो आज मस्जिद और मदरसों से लाउडस्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात पे बहस होने लगी, उसी में उन लोगों ने हाथापाई की और मारपीट करने की कोशिश की। हम लोग तो चलिए फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।